किशनलाल के खेत में गलती से एक आइसक्रीम ट्रक आ जाता है। खेत में मौजूद भेड़े चुपके से इस ट्रक के पहियों की हवा निकाल देते हैं। आइसक्रीम ट्रक का मालिक परेशान होकर किशनलाल के घर मदद मांगने चला जाता है। पीछे से सभी भेड़ इकट्ठा होकर अपनी पार्टी का इंतजाम करने लगती है। इनमें से एक भेड़ कोन में आइसक्रीम भरती है और बाकी भेड़े इसके ऊपर सजावट करने लगती है। सभी भेड़े आइसक्रीम को बड़े ही चाव से खाने लगती है। आज तो इनकी जबरदस्त पार्टी हो गई है। अब ये आइसक्रीम खाने के बाद पैसे जमा करके ट्रक के गले में डाल देते हैं। इन्होंने तो चोरी भी ईमानदारी से की है। आखिर में सभी आइसक्रीम खाकर ट्रक को बंद कर देते हैं। इसके बाद ट्रक के पहियों में मुंह से हवा भी भर देते हैं। जब ट्रक का मालिक किशनलाल को लेकर आता है तो उसे सब कुछ सही मिलता है। ट्रक का मालिक खुश होता है और किशनलाल को भी आइसक्रीम दे देता है। बेचारे आइसक्रीम वाले के साथ तो मोए मोए हो गया।